मैं आज की वीडियो बहुत मुश्किल से शूट की हूँ, क्योंकि मुझे आज सुबह से टाइम भी नहीं मिला और मेरे बेटे का प्रोजेक्ट था और मेरी मम्मी का तबीयत भी ख़राब था, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो मैं बहुत मुश्किल से थोड़ा थोड़ा समय निकाल निकाल के एडिटिंग की हूँ। शूट तो कर ली थी मैं पहले ही, पर थोड़ा मुश्किल हो रहा था एडिटिंग करने में, तो मैं थोड़ा टाइम लग गया और मेरा सारा घर का काम करते हुए फिर थोड़ा सा समय मिल रहा था तो एडिटिंग कर रहे थे। देखिएगा, इसमें मैंने बेटे का प्रोजेक्ट बनाया है, तो कैसा बना है उसी प्रोजेक्ट में मुझे पूरे दिन लग गए, तो आप भी देखिए। और कितना भी आप दिन भर कर लीजिए, पर कहने के लिए मिल जाता है तुमने क्या किया घर में रह करके। हम लेडीज़ को यही सुनने के लिए मिलता है, तुमने घर में रह के क्या किया। दे दीजिए ना। आज मैं सुबह सुबह पंखे की सफाई में लग गई हूँ और पंखे पे इतने जाले हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, दबे पांव जाली आते कहाँ से हैं। देखिए कितने पंखे में जाले लग जाते हैं, अगर सोइए तो जाले ही दिखते हैं यहां। और ये पंखे के जाले, हाय पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं, और पंखे ब्लैक वाइट से ब्लैक दिखने लगते हैं। तो मैं आज इसकी सफाई में लग गई हूँ और मैंने पंखे की पंखुड़ी खोलने शुरू कर दिए हैं। मैंने सोचा कि आज पंखे की पंखुड़ी खोलकर उसके डैने को खोलकर धोऊं मैं, तो इसलिए मैं इसमें भिड़ गई हूँ और पंखे की पंखुड़ी खोल रही हूँ। नट वट खोल दूँ ऐसे पोंछ देती हूँ, लेकिन अलग अलग कर देने से अच्छे से सफाई हो जाती है। थोड़ा धूप में मैं इसके पानी वानी सुखा लेती हूँ, उसके बाद इसको फिर से उसमें जोड़ देती हूँ। तो अभी मैं स्क्रू ड्राइवर से उसको खोल रही हूँ। बहुत अच्छे से इसके नट जो होते हैं उसको रखने चाहिए एक जगह इकट्ठे, नहीं तो छोटे छोटे होते हैं वो गुम भी हो जाने के चांस रहते हैं, इसलिए उसको अच्छे जगह में उसको रख दें कि वापस से तो इसको जोड़ना है इसमें। तो मैं एक पॉलीथीन में या फिर एक कटोरी वटोरी में रख देती हूँ और पंखे को, सारे पंखुड़ी को मैं खोल देती हूँ। और पंखुड़ी खोल के देखिए, अब इस पंखे की पंखुड़ी को मैं साफ करूँगी और साफ़ करके मैं उसको धूप में खड़े कर देती हूँ कि ठीक रहता है, पानी सारे निकल जाते हैं, नहीं तो करंट मारने का डर रहता है। और साथ में मेरा बेटा मेरी हेल्प कर रहा है, मेरा बेटा बहुत ही हेल्पफुल बच्चा है, नटखट है लेकिन मेरी हमेशा हेल्प करता है वो कोई चीज़ काम में, और हेल्प में वो मेरी हमेशा मेरी मदद करता है। फिर वापस से मैं जो पॉलीथीन में नट बट संभाल के रखी थी उसको मैं अब निकालूंगी और पंखे की जो डायने हैं उसको मैं उसमें जोड़ दूंगी उसके हेड में। तो मैं ये सब कर लेती हूँ आसानी से, मुझे हैबिट है, लेकिन आपको नहीं आता हो तो आप प्लीज़ ये रिक्स ना उठाएं, प्लीज़ किसी और को बुलाएं और साफ करवाएं। और रात में मैं ब्रेड लेकर के आई थी, तो मैंने सोचा कि सुबह लंच में मेरे बेटे को मन था कि पोटैटो सैंडविच बनाने के लिए, तो मैं उसके लिए खीरा वगैरह लाई थी, तो खीरे को मैं छील करके और उसके स्लाइस पतली पतली स्लाइस काट लूँगी, मोटी स्लाइस नहीं काटना, पतली पतली स्लाइस काट लीजिए, इसलिए कि उसको फिर से ब्रेड पर रखने में आसानी होती है। और उसमें देखिए तेज़पत्ता वेज़पत्ता डालिए, मिर्ची डालिए, जो मसाले आपको अच्छे लगते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। देखिए पतले स्लाइस में मैं काट ली हूँ, प्याज भी काट ली हूँ पतले पतले, ये गरम मसाला का पाउडर है वो भी मैं डालूँगी।
ऐसे स्वाद थोड़ा सा बढ़ जाता है। गरम मसाला, मीट मसाला सब थोड़ा थोड़ा मैं डाल दे रही हूँ, ऐसे स्वाद बढ़ जाएगा। इससे कि मिर्ची विर्ची डालूँगी तो फिर उसको पसंद नहीं आता है ज़्यादा। थोड़ी थोड़ी मिर्ची डाल दी हूँ लेकिन उसको ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है। बीटरूट भी आप डाल सकते हो काट के। देखिए प्याज भून गया तो मैं आलू ऐड कर दी हूँ और आलू को मैं भूज दूँगी। सारे मसाला मैंने डाल दिए हैं। नमक हल्दी आप डाल दीजिए। नमक हल्दी, नमक बिना तो स्वाद ही नहीं आता, तो डाल दीजिए। अंडकर जब मसाले भून जाते हैं, आलू भून जाएंगे तो अपने आप कढ़ाई छोड़ देंगे। देखिए मैं नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद के अनुसार, और उसके बाद हल्दी। आगे देखिए ओ घड़े से पानी पी रहा है मेरा बेटा, और हम लोग घड़े रखते हैं गर्मी में इसलिए कि घड़े का पानी पीने से गला वाला ख़राब नहीं होता है, और फ्रिज के पानी हम लोग नहीं पीते हैं, रखते हैं। कोई भाई देवे आ जाए तो फ्रिज का पानी मांगता है, लेकिन मैं फ्रिज के पानी नहीं पीती हूँ, मेरा जल्दी गला ख़राब हो जाता है। और देखिए आगे ब्रेड सैंडविच, पोटैटो ब्रेड सैंडविच मैं बनाने जा रही हूँ। मैं बाबू को भेज दी ब्रेड लाने के लिए, और मैं आगे की तैयारी करने लगी। घी है, घी से मैं ब्रेड को सेकूंगी। बटर से भी आप सेक सकते हो, अभी मेरे पास घी है, मैं घी से भी सेक सकती हूँ और उससे भी स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लिए और उस जो आलू मैंने भून के रखा था उसके ऊपर लगा दी, और जो खीरे की स्लाइस है उसको भी उसके ऊपर से मैं रख दूँगी। आप इसके ऊपर बीटरूट की भी स्लाइस रख सकते हो, जो आपके बच्चों को पसंद है वो रख लीजिए। और मैं केवल खीरे की स्लाइस रख रही हूँ, और बोला कि सॉस नहीं डालना, तो सॉस बिना सॉस के ही आप सॉस भी डाल सकते हो। ऊपर से घी डाल के मैं तवे पे सेक दे रही हूँ, हल्का सा ब्राउननेस हो जाए तो आप दोनों साइड से सेकना है, दोनों साइड से पलट पलट के सेक लीजिए। और बच्चे को लंच में पैक करके दे दीजिए, और सॉस वाले भी बना सकते हैं आप, सॉस भी रख करके उसके बाद सेकिए, या फिर ऊपर से सॉस से डेकोरेट कर दीजिए, जो पसंद हो वो बच्चों को दे दीजिए। दोनों साइड मैंने सेक लिया और देखिए, और ये तैयार हो गया। अब यही इसको लंच बॉक्स पे मैं भर दूँगी। नैपकिन पहले रख देती हूँ इसलिए कि डायरेक्ट प्लास्टिक पर मैं इसके लंच नहीं रखती हूँ, पेपर नैपकिन रहता है उसको उसी के ऊपर। देखिए मैं लंच बॉक्स में पैक कर दे रही हूँ। दूसरा ब्रेड मैं सेक रही हूँ सॉस डाल करके। देखिए लंच बॉक्स में पैक हो गया इसका, और आज मैं इसी में दिन भर बिजी रह गई। नेबरहुड प्रोजेक्ट बनाना था तो मैंने सारे मॉल वॉल बना दिए। अब देखिए जो मैं पंखे धोई थी उस पंखे के हवा और चांदी जैसी चमक